नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिजली विभाग को क्षति पहुंचाने वाले लोगों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। फतेहपुर जनपद के खागा बिजली उपकेंद्र खागा कस्बे की बिजली दुरुस्त करने के लिए रातों दिन मेहनत किया, जिसमें जर्जर तारों से लेकर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि से लेकर लोड चेक कर जगह चिन्हित कर नए ट्रांसफार्मर रखवाना और लोगों से बकाया बिजली बिल जमा करवा कर राजस्व ज्यादा से ज्यादा सरकार को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस बात को लेकर खागा अधिशासी अभियंता और लखनऊ से अधिशासी अभियंता आकर खागा कस्बे की लाइट व्यवस्था को सर्वे किया और बिजली पावर हाउस आकर सप्लाई मशीनों का लोड चेक कर जो समस्या है उसे निस्तारण कर बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल रहे अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी। आप लोगों को बताते चले कि खागा कस्बे में जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनमें भी अच्छा काम ना करने वालों को निकालने का काम किया और इन सब बातों को लेकर अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी के ट्रांसफर करवाने के चक्कर में अव्यवस्थाएं फैलाने का काम कर रहे, जैसे उनके नाम से लोगों से पैसा वसूल लेना, ट्रांसफार्मर में फेसों में तार डाल देना और ट्रांसफार्मर में टायर डालकर फेस फेस जब मिलेगा तो नुकसान बिजली विभाग का होगा, जिससे अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी का ट्रांसफर हो जाए और फिर वही धांधली चालू हो जाए। आइए सुने क्या बताया अवर अभियंता इंजीनियर डीडी सोलंकी ने। क्राइम 24 आवर्स से रिपोर्ट संवाददाता राज विश्वकर्मा की। जी, जैसा कि एक जानकारी मिली है कि रात में किसी ट्रांसफार्मर में जो है टायर फेंकना और उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता था विभाग का। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी करीब 5 दिन पहले हनुमान मंदिर हमारे 400 केवी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, तो वहाँ पर भी LT जो मेरी लाइन जा रही थी उसके ऊपर एक तार को काट के तीनों फेसों पर रख दिया था। तो फेस उड़ गया तो मैंने सोचा हो सकता स्वाभाविक ऊपर से कोई तार गिर गया होगा, लेकिन जब कल 11 अक्टूबर 2024 की रात्रि में जब देखा कि 11:05 पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, अभी नाम नहीं, एक्चुअली हमने CCTV फुटेज खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, एक साइकिल के टायर को लेके उसने 11 KV के जो हमारी लाइन थी उस 100 KV का HDFC के पास हमारा प्रवेशक रखा हुआ है, इनको भी जानकारी में HDFC बैंक से है, तो उस पर टायर को लेके उन्होंने सीधा 11 KV की बुशिंग पे फेंका और जब 11 KV पर फेंका तो वो 11 KV में उस टायर से टकरा के सीधा जर्क मेरे सब स्टेशन पर गया खागा तहसील पर, जिसमें 10 MVA का जो मेरा ट्रांसफार्मर रखा हुआ था वहाँ BCB 30B पावर प्रोटेक्शन के लिए जो BCB लगी हुई है वो ट्रिप हुई और वो जो ट्रांसफार्मर में लग लगे उसमें चिंगारी निकल रही थी, वहाँ बहुत जोर से धमाका हुआ, तो जो राहुल SSO था उसने तुरंत ही कंट्रोल रूम में जाके उसको बंद किया और इसकी जानकारी उन्होंने संबंधित लाइनमैन को दी। और इसके बाद जब ज्ञात हुआ कि कहीं लाइन हमारे कोई बड़ा जर्क आया है तो पता चला कि SDFC के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विभाग को राजस्व की हानि पहुंचाने के लिए हमारी विद्युत आपूर्ति को बाधित करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है और मैं इसमें जो भी इसका दोषी होगा और उसकी मैं प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा और CCTV फुटेज खंगाला जाला थोड़ा। अगर इसमें फॉल्ट आता तो लगभग अनुमानित विभाग का कितना नुकसान। यह है कि 10 MVA का परिवर्तक है, अभी पूर्व में ही 5 से 10 MVA क्षमता वृद्धि की गई थी उपकेंद्र में, तो उसकी कीमत 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास है जो रखा गया है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ के दोआबा की पावन धरती खागा की इस पावन धरती से यह बड़ा संकट मेरा टल गया है। मैं यहाँ की जनता को और यहाँ विराजमान जो हमारी जितनी मूर्तियों का स्थापना की गई थी उनके भाग से ये बहुत बड़ी दुर्घटना मेरी टल गई है। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।